हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्लीव का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग स्लीव को इस तरीके से कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 13 इंच की लेंथ स्लीव की कट करी है और विड्थ मैंने 6 इंच की कट करी है, यानी कि 12 इंच की। और 2 इंच की मैंने दो पट्टियाँ कट कर ली है, एक रेड कलर की और क्रीम कलर की। दोनों को जॉइंट करके हम दोनों साइड में एक एक पैर की स्टिचिंग हम कर देंगे। दोनों साइड में स्टिचिंग करने के बाद हम इसको बाहर की तरफ पलट लेंगे पिन के साथ, या फिर किसी और प्रोडक्ट के साथ आप इसको इस तरीके से बाहर की तरफ उल्ट लीजिए। और उसके बाद हम इस पे अच्छे से प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम इसको एक साइड से इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से बैक साइड से फोल्ड करेंगे और फिर से बैक साइड से फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे ये डिज़ाइन बनके रेडी हो जाएगा और ओपन वाला हिस्सा है वो हम स्टिच कर देंगे। और इसी तरीके के हम टुकड़ियाँ बनाकर कट कर लेंगे। टुकड़ियाँ हम उतनी बनाएंगे जितनी हमारी आगे से स्लीव्स की चौड़ाई है। ये टुकड़ी बनाने के बाद हम एक और पट्टी लेंगे 2 इंच की, उसको दोनों साइड से फोल्ड करेंगे और इसके बीच में हम इस टुकड़ी को रखते हुए स्टिच कर देंगे। दोनों साइड में 2-2 इंच की पट्टी हम रखेंगे ताकि इसको जॉइंट किया जा सके। और इसी तरीके से सभी डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम 3 इंच चौड़े व्हाइट कलर के पेपर पर इसको एक लाइन में जॉइंट कर देंगे। सभी को जॉइंट करने के बाद दोनों साइड से हम इसको कट करके फिनिश कर लेंगे और स्लीव के साथ इसको अटैच कर देंगे। स्लीव के साथ अटैच करने के बाद हम दूसरी साइड भी स्टिचिंग लाइन बनाकर इसको परफेक्टली इसके साथ अटैच कर देंगे। के बाद हमने 3 इंच चौड़ी पट्टी को कट किया है और दोनों कॉर्नर को फोल्ड करके इसके आगे वाले हिस्से में हम इसको स्टिच करेंगे। और उसके बाद हमारा ये स्लीव्स का डिज़ाइन बनके रेडी हो जाएगा। आई होप आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।